हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कई कारण होते हैं उसमें एक कारण होता है जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो भी होगा जब मैग्नीशियम की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो भी होगा जब मिनरल सॉल्ट बॉडी में कम हो जाते हैं तो भी होगा बड़ी उम्र के लोगों के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि कोई कैल्सिफिकेशन है कई और ब्लॉक है लेकिन इतनी छोटी आयु में तो क्या ही मैं बोलूँ कि क्या ब्लॉक है लेकिन अब मैग्नीशियम और पोटाशियम जो है उसकी गोलियां ना खा के ग्रीन सैलड मने खीरा पालक टमाटर थोड़ा सा उसमें तेल डाल लीजिए एक चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लीजिए एक नींबू निचोड़ दीजिए सेंधा नमक डाल लीजिए थोड़ी अंजीर डाल दीजिए अगर खजूरें हैं थोड़ी काट के खजूर डाल दीजिए पम्पकिन सीड तो जो है थोड़े से वो ऊपर डाल दीजिए ऐसे एक प्लेट भर के ग्रीन सैलड की जिस भी उम्र का हो अगर वो ये खाने लग जाएगा तो पोटाशियम मैग्नीशियम जिंक की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी तो जब वो ठीक हो जाएगी तो बीमारी क्यों रहेगी शरीर में हमारे जो खेतों में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला है ना उससे मिट्टी ख़त्म हो चुकी है मिट्टी में जान नहीं रह गई है इसलिए हम लोग सब्जी फल खा तो रहे हैं लेकिन उसमें पौष्टिकता की कमी है क्योंकि ज़मीन में जहर इसलिए अच्छी मिट्टी जैसे नीम के पत्ते की खाद गौमूत्र थोड़ी छाछ लस्सी जिसको हम कहते वो ऐसे कुछ चीज़ें मिला करके एक खाद बना ली जाए और उसको मिट्टी में हाफ़ टू हाफ़ मिक्स करके आधा कटा हुआ ड्रम हो गमला हो कोई पाँच लीटर का प्लास्टिक का डब्बा हो चाहे ऐसे डब्बों में वो मिट्टी भर के खीरा टमाटर भिंडी ठिंडा कद्दू ये घर में लग जाता है घर की छत पे भी लग जाए बालकनी पे भी लग जाएगा तो तुम यहाँ आश्रम में सुकीर्ति हैं आप उनके पास जाना वो तुम्हें सिखा देंगे तो अगर हम अच्छी मिट्टी में तैयार की हुई घर की उगी हुई अच्छी सब्जी और फिर उस सब्जी का अच्छा सैलड अगर आप रोज़ खाने लग जाओगे तो शरीर में ये जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी है ना वो ठीक हो जाएगी और शरीर में ताकत आ जाएगी हमारा वेस्क्यूलेश जो है वह अच्छा हो जाता है तो थोड़ा आहार को ज़रूर ठीक करना चाहिए भाई जलंधर से हो तो पंजाबी लव देयर फूड है ना वो तो बड़ा बड़ा स्वाद से खाते हैं इतनी लंबी लिस्ट होती ना खाने की और खाने में कोई बुराई नहीं है पर जिस खाने की वजह से शरीर बीमार हो जाए फिर उस खाने का क्या मज़ा इसलिए थोड़ा बैलेंस ईटिंग होनी चाहिए अभी युद्ध शिविर में एक दिन रोज़ तो दाल सब्जी होती थी मैंने कहा बच्चे हैं तो एक दिन बर्गर इनको खिलाओ तो यहाँ बर्गर बना उसका एक वीडियो मैं चाहूँगी कि उसकी तैयारी कर लेना भी इन सबको दिखाओ इस बार का जो युद्ध शिविर है उसकी ग्लिम्स तो एक मोटू सा बच्चा है उसमें और वो बर्गर खा रहा है और दूसरे हाथ से कर रहा है चार खा चुका था वो <laughs> अब वो चार बर्गर खा गया है और अगर ऐसे वो रोज़ खाता रहेगा तो मोटे का तो डबल मोटा ही होगा ना तो हमारे भारत देश में डायबिटीज़ का समझिए पूरी दुनिया का नंबर तीन हो चुका है इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए और ज़्यादा जो है वो उसको वो कहते हैं प्री टीन या टीन में डायबिटीज़ मतलब चौदह 13 थर्टीन से डायबिटीज़ टू शुरू हो रहा है ऐसे कैसे ये बुढ़ों की बीमारी थी ये बच्चों को कैसे हो रही है क्योंकि खाना गलत हो रहा है रोड साइड जो टिक्की पकौड़े गोलगप्पे है वो बहुत गंदे तेल में वो बनाते हैं आप वो गंदे तेल वाला खाएंगे तो बीमारी हो जाएंगे ना so, सो जैसे दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के लीवर स्पेशलिस्ट है वो बता रहे थे कि उनके पास उन्नीस साल का लड़का आया है लीवर ट्रांसप्लांट के लीवर ख़त्म हो गया उसका अब क्या है वो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ बियर शुरू कर दी शराब पीनी शुरू कर दी घर में पिताजी भी पीते थे तो महाराज बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पिताजी की बोतल से ही निकाल निकाल के पी रहा था वो और प्रोसेस खाना और बहुत सारा मैदा चीनी तला हुआ खा रहे वो उन्नीस साल में इतनी कैसे खराब इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस दारू पीने वालों का लीवर खराब होता था अभी बिना दारू पिए खराब हो रहा है ऐसे कैसे तो इसके पीछे कारण है ज्यादा ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती हैं काली पीली लाल रंग की जो ठंडी बोतल जिसको पंजाब में बोलते हैं ना ये जो ठंडी बोतलें पीते हैं ना बंदा ही ठंडा कर दे ठंडा मतलब मरी जा है तो उससे दूर रहे जैसे मैं अभी अभी बस लौटी थी और गर्मी थी प्यास लग रही थी तो मुझे ने कहा कि बेल का शरबत ले आए आपके लिए अब आश्रम में बेल लगे हैं मैंने कहा नहीं बेल तो बहुत अच्छी चीज़ है पेट के लिए गर्मी भी दूर करता है तो तुम लोग उसमें इतनी चीनी डालोगे तो बेल का क्या मज़ा रह जाए पका हुआ एकदम पीला बेल हो तो उसमें बहुत कम चीनी चल जाएगी हम लोग तो चीनी इस्तेमाल ही नहीं हम तो खंड खाते हैं यहाँ पर वो भी ऑर्गेनिक तो गर्मी लग रही है फिर तो मैंने कहा ना हम नहीं पीते तुम्हारा बेल का शरबत तुम लोग ठीक नहीं बनाते हो फीका भेज दो हम अपने हिसाब से उसको बहुत हल्का स्वीट करके तो हम ले लेंगे पर तुम्हारा वाला नहीं लेंगे मना करना पड़ेगा ना अभी ये तो बना के दे देंगे भुगतना तो हमारे शरीर को पड़ेगा ना तो तुम तो मेरे कोई सगे वाले थोड़ी हो तुम तो। भाड़ में जाओ तुम तो। <laughs> ये ये देखो पेट तो अपना है ना माल अपना नहीं है पेट तो अपना है जब तक तो ये शरीर आपके पास है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना और जब तक मुझे मालूम नहीं था उनका सच्ची बात बोल रही हूँ कन्फेस कर रही हूँ जब तक हमें ये भोजन का ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है साइंस नहीं पता थी मैं भी खूब कोला पी लेती थी वो अच्छा लगता था भाई सबको अच्छा लगता सब पीते थे हम भी घर के बड़े पीते फैमिली में सब पीते स्कूल में पीते कॉलेज में पीते सब पीते हैं किसी ने बात भी कभी नहीं करी कि ये ख़राब चीज़ होती ये तो बहुत बाद में जब समझने लगे कि ये है क्या चीज़ इसका फॉर्मूला क्या है इसमें क्या पड़ा है इसमें कितनी चीनी कितने केमिकल जिस दिन ये समझ लगी उस दिन के बाद से फिर हमने नहीं पिया कब भी नहीं पिया तो अब क्या पीना चाहिए जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे ये तो हमको देखना होगा ना। जैसे एक बार किसी के हम घर गए उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया पहले वो आ, क्या बोले एपरटाइजर्स ले आए चार पाँच छः अब वो जब हम ले चुके तो कह रहे जी अब खाना लगा दे मैं हैं अभी खाना बाकी कहते हाँ जी ये तो एपरटाइजर था तो खाना लगा दे ठीक है लगा लो ओ पूरा मेज भर दिया उन्होंने खाने मैं इतना कौन खाएगा नहीं जी थोड़ा तो अपने हाथों से बनाया मैं तो पैरों से कौन बनाता है जी मैंने मेरे हाथों से बनाया रात भर हम जाग के बनाया मैंने कहा देखो बनाओ तो दो चीज़ बनाओ एक कोई दाल जैसी बना लो एक सूखी सब्जी बना लो दैट्स इट दो चीज़ बढ़िया होती है तुमने बीस चीज़ें रख रखी कौन खाएगा कहते नहीं नहीं आप खाओ हमने प्यार से बनाया है मैं मैंने नहीं कहा तुम नफरत हमसे करते हो पर हमारा पेट दुखेगा कहते नहीं उसके साथ हमने पाचक चूरण भी रखा आप खा लो मैं ये तो बात नहीं चलेगी पहले हम पेट को तकलीफ़ दें फिर हम तुम्हारा चूर्ण खाएँ मेरे साथ तो नहीं चलेगा ये तो चाहे रो तो चाहे हंस हमें जितना चाहिए हम अपनी मर्जी से दो चीज़ ले लेंगे और तुम क्या लेंगे ये हमारी मर्जी तुमने पकाया रखा थैंक यू वेरी मच पर हम वो खाएँगे जो मेरे शरीर के लिए अनुकूल होगा तो थोड़ा भोजन को समझना चाहिए तो गुड एक्टिविटी आ, अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए शरीर से बहुत यंग हो तो कोई ना कोई गेम जरूर खेलो बास्केटबॉल हो क्रिकेट हो वॉलीबॉल हो जिसमें दौड़ना भागना हो ऐसी कोई ज़रूर गेम खेलो और कुछ बाहर जाके मान लो नहीं खेल सकते हो तो झाड़ू पोछा लेके पूरा घर साफ़ कर दो मम्मी भी खुश तो ये गर्मी की छुट्टियों में ना मम्मी को खुश करो तो घर की सफाई कर दो घर चमक जाएगा मम्मी के पैसे बच जाएंगे तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी एवरीबडी अ विन विन सिचुएशन सबका फायदा है उसमें आ, बाकी तुम्हारा आज का ध्यान बहुत अच्छा गया मुझे बहुत बहुत खुशी हुई इस बात की बहुत प्यारा बच्चा है ये और मुझे अच्छा लगता है ये कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि इनके माता पिता इतने समझदार हैं कि वो उनको यहाँ अपने साथ आश्रम लाते हैं कि वो घर में बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के कुछ सत्संग सुनते हैं और सत्संग मतलब खाली राम 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 करना तो नहीं है सत्संग में योग भी है विज्ञान भी है वेदांत भी है और ये सब चीज़ समझते जाएंगे तो अगर इस उम्र में ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो आगे उनका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा बच्चे मेहनती हों बच्चे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डिग्निटी के साथ जिए मेहनत के साथ जिए भ्रष्टाचार न करें रिश्वतखोरियाँ न करें अच्छा इंसान बने वो घर अच्छे हो जाते हैं वो मोहल्ले अच्छे हो जाते हैं वो गांव अच्छे हो जाते हैं वो शहर अच्छे हो जाते हैं जहाँ ऐसे धर्म के संस्कार वाले विद्वान अच्छी सोच बुद्धि वाले बच्चे होते हैं बहुत मुझे अच्छा लगता है बहुत बहुत अच्छा लगता है तो मैं तो बहुत बधाई देती हूँ वो सारे माता पिता को जो अपने घर में ऐसा वातावरण रख रहे ये बड़ी मेहर ये तो गुरु की बड़ी बड़ी मेहर है ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसी सोच ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है